देश की राजधानी इस सवाल पर माथापच्ची कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे बढ़े, सरकार कौन से नए कदम उठाए, और ये भी कि 5 दिसंबर के आरोपी शिव कुमार यादव को कैसे उसकी घिनौनी करने की सजा मिले। इन सब के बीच आरोपी शिव यादव की मां चाहती है कि बेटे ने जैसा गुनाह किया है उसके लिए वो जेल में सड़ता रहे। गांव रामनगर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। ये गांव शर्मिंदा है, गांव की मिट्टी शर्मिंदा है। इस गांव में पैदा हुआ था वो दरिंदा जिसने दिल्ली की उस लड़की के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी थी। पूरे गांव में सन्नाटा है, हर कोई हैरान है। शिव कुमार यादव से तो पहले ही पूरा गांव आजिज था, लेकिन अब तो उसने इस गांव की आन पर कलंक लगा दिया है। शिव कुमार की करतूतों से मां का आंचल कलंकित हो गया, पिता के सिर से इज्जत की पगड़ी उतर गई। अब पिता कहते हैं कि बेटे ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, जो कुछ भी हो कुकर्मी बेटे की जमानत नहीं कराएंगे। पुलिस तक कभी इसका मामला नहीं गया? नहीं, पुलिस से गया है। पुलिस से क्यों नहीं गया? तो पुलिस ने क्या FIR वगैरह किसी दर्ज नहीं की भाई? हुई है तो हमें से फिर हमने की जाए जेल में रहने के। यहाँ इसके खिलाफ यहाँ भी FIR दर्ज हुई है? उन्होंने कहा उसमें कुछ है नहीं, जे नहीं वो नहीं, कि जमानत कराया लाए और उसको केस पर बिना ही लोगों ने राजीनामा करके। जब सुन रहे हैं किसी के साथ कुछ किया है तो वो गलती बताए, कोई घटना हो हम सही कहा बताएगी। रामनाथ यादव शिक्षक थे, अब रिटायर हो चुके हैं। उनसे शिक्षा पाकर लोग जाने क्या क्या बन गए, लेकिन अपना बेटा ही कुल कलंक बन गया। गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखने लगा। गांव में भी कई ऐसी घटनाएं कर चुका है जो? नहीं, वाह हुई, लेकिन कोई फंसा किसी में नहीं। फंसा किसी में नहीं बता रहे? कई बार आपको भी उसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी? देखो परेशानी माता पिता पे तो आएगी, कोई भी काम हो, लेकिन सब हम किसी फंसाया किसी में नहीं। शिव कुमार की माँ गंगा श्री की आंखें बार बार भराती हैं। उनके अपने ही बेटे ने उनकी कोख कलंकित कर दी, जिसे अपनी कोख से जन्म दिया उसी बेटे ने माँ की परवरिश पर दाग लगा दिया। अब मुझे कह रहे कि बाकी तो मौत लाए फिरते है, जुबानी ऐसी घटना करी है तो भैया बाकी संग में हम का बताए दे तुम्हें, स्वामी बताओ। गंगा श्री अपने इस कपूत की करनी पर शर्मिंदा है। औरत है तो औरत की इज्जत का मान समझती है, कहती है कि जो कुछ भी हो कुकर्मी बेटे को सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं, ये जो घटना की है कि आपको क्या लगता है? गंत बहुत गंत करी, तो सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ, सजा मिलनी चाहिए, जो तुम कह रहे हैं सजा मिलनी चाहिए। इस बुजुर्ग को क्या पता था कि उनका अपना ही खून उन्हें ये दिन दिखाएगा। सिर्फ पिता ही नहीं, शिव कुमार की माँ भी चाहती है कि शिव कुमार ने पाप किया है तो उसे जेल में सड़ना चाहिए। ऐसे बेटे की जमानत कराना चाहेंगे कि नहीं? हम नहीं चाह रहे जमानत, भाई जेल में डर हो रहा है। शिव कुमार यादव अपने गांव में ही ऐसे कुकर्मों के लिए कुख्यात रहा है, यही वजह है कि गांव वालों ने उसे यहां टिकने नहीं दिया। लेकिन ऐसे ही अपराधों का आदि हो चुका शिव कुमार दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के दामन को दागदार कर दिया। पुष्पेंद्र सिंह चौहान, मैनपुरी, आज तक। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में आरोपी शिव यादव के गांव में लोग दुखी हैं। वो इस बात पर दुखी हैं कि शिव ने उनके गांव का नाम बाहर भी गंदा किया। वैसे इस बात से उन्हें राहत भी मिली है कि जिस शिव यादव ने गांव की कितनी ही बहु बेटियों से दुष्कर्म किया वो अब कानून के कब्जे में है। पांच दिसंबर की रात दिल्ली की लड़की की बेसुधी का फायदा उठाकर उसे अपने हवस का शिकार बनाने वाला शिव कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब शिव कुमार की वहशत की एक के बाद एक कहानियां सामने आ रही। महिलाओं की आबरू से खेलना उसका शौक बन गया था, जुनून बन गया था। शिव कुमार के गाँव रामनगर में उसकी हवस की कहानियाँ लोगों की जुबान पर है। सबसे पहले मिलिए इस औरत से। इसकी माने तो शिव कुमार ने उसके साथ भी बलात्कार किया था।
हम गए थे गई लाई थी मैंने जाके बटाई तो रखे और जाके गरम का भूसो नहीं आधो भूसो दे तो भूसको लेके बांध के पटरिया दर्द हम ले लगे मेथी सब्जी काजी और जब वो पटा दी भाई उन नाला आते और जाने डार के मैं और गोड़न पधारी के मेरी बेइज्जती करी थी और जो ससुरी कही तो जान समाती। सिर्फ यही एक महिला नहीं है, गाँव वालों की माने तो शिव कुमार ने गाँव की कई महिलाओं के साथ हैवानियत का नंगा नाच किया है। लोकलाज की वजह से ज्यादातर महिलाएं उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं करा पाई। मैं सारा बल्ला तो कर रहा पुलिस ने कुछ ना सुनी गई मन पैसा भर गए और आराम से देखिए अपने दफा कम कराए गए और जेल में जाएगा बातें करेगा गादी हमने करी गरीब काम थे कूलर डालने गई थी मतलब ठीक 2008 मतलब 13 में तो जी मतलब उन पर जी चरी से निकलो एकदम जाके पास असला तू मतलब मैंने डायरेक्ट भी एक बात मतलब मैंने असला के चक्कर मतलब मेरे साथ बलात्कार करो। अच्छा पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी आप? उसके यहाँ मतलब गए फिर इनने मतलब अपने लेन देन करी कराए और दफा कम कराए मतलब और मतलब पैसा भर भर आए इनको मतलब केस कर दो ढीलो हम लोगों को मतलब कोई पावर ही ना तो कहाँ पावर है जब कहूँ आटा है तो डर ना मतलब पकड़ा नहीं गया था ये। गाँव वालों के मुताबिक शिव कुमार यादव तो गाँव की महिलाओं के लिए दहशत का पर्याय बन चुका था। जब भी वो गाँव में पहुँचता था महिलाओं की इज्जत के लिए जैसे बड़ा खतरा बन जाता था, महिलाएं अकेले निकलने से थर्राती थी। गांव में जब आता था तो क्या महिलाएं घरों से निकलना बंद हो जाती टट्टी पैसा फिर वो बंद हो जाती और जब टट्टी फिर जाती तो गांव के आदमी संग जाते उनके संग आदमी जाते इस टाइप का व्यक्ति था। शिव कुमार के दो भाई और हैं जिनमें से एक ने आत्महत्या कर ली और दूसरा मंदबुद्धि है। जिस भाई ने आत्महत्या कर ली उसकी पत्नी को शिव कुमार अपनी बीवी के रूप में अपने साथ ही रखता था। अपने बहन बहनों के यहाँ वो नौकरी के लिए चला गया, नौकरी वहाँ करी और वहाँ नौकरी अपनी करते रहो, गांव में आते रहो छेड़खानी भी वो करते रहो, गांव कोई बैठा तो ही नहीं। कितने लोगों से छेड़खानी की होगी? लगभग हमारे अंजाद में 10-20-50 तय करी होगी। जो सरकार करे या कोर्ट करे वो सजा दे जाए, वास्तव में ऐसे को सजा देनी चाहिए। शिव कुमार की वहशत की कहानियां सिर्फ गांव वालों की जुबान पर ही नहीं है, थाने के रिकॉर्ड में भी उसकी काली करतूत का काला चिट्ठा रखा हुआ है, उसका बाकायदा आपराधिक इतिहास रहा है। शिव कुमार के खिलाफ मैनपुरी के 2 थानों में 8 मामले दर्ज हैं। शिव कुमार पर बलात्कार, छेड़छाड़, चेन स्नेचिंग, आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, उस पर गुंडा एक्ट भी लग चुका है। पहले सबसे पहले 2003 में 354-323 का मुकदमा थाना लहरू में कायम हुआ जिसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी। इस बात 2006 में 25 आर्म्स एक्ट में से खिलाफ मुकदमा किसनी में कायम हुआ जिसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी। 2013 में 394 और 376 का मुकदमा इसके खिलाफ कायम हुआ थाना इलाहू में, उसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी है। इसमें और 2 गुंडा एक्ट इसके हुए हैं, एक 2003 में, एक 2009 में। 110G भी हुआ है 2006 में। इस तरह से क्रिमिनल टाइप का है और 1 साल से अपने घर में ही रहता था या कहीं दिल्ली विल्ली में, ये जानकारी नहीं थी कहाँ रहता है। अभी पकड़ा गया तो मालूम है कि दिल्ली में गाड़ी चला रहा था। शिव कुमार यादव अपने काले कारनामों की वजह से कई बार गिरफ्तार हुआ, कई बार उसका चालान हुआ, लेकिन कोई भी मामला ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाया। ज्यादातर मामलों में समझौता हो गया, लेकिन दिल्ली में जब उसने दरिंदगी की हदें पार की तो उसके पापों का घड़ा शायद भर गया था। मैनपुरी में पुष्पेंद्र सिंह चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। 26 साल की उस युवती ने उबर कंपनी की कैब बुक कराई थी, ये सोचकर कि दुनिया भर में मशहूर इस कंपनी के कैब में वो सकुशल घर पहुंच जाएगी। हिंदुस्तान ही नहीं तमाम दूसरे देशों में इस कंपनी की साख है, उसकी टैक्सियां बेहद सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन उसका भरोसा गलत साबित हुआ। जिसे सुरक्षा की गारंटी समझी उसी टैक्सी के ड्राइवर ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उबर कंपनी के कैब ड्राइवर ने दिल्ली की लड़की के साथ कार में बलात्कार किया तो इस कंपनी के तमाम गड़बड़ झाले भी सामने आ गए। दिल्ली प्रशासन ने उबर ही नहीं उबर समेत 20 कंपनियों की कैब सेवाओं पर पाबंदी लगा दी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने उबर कैब के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। पहले मोबाइल पर उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जिसमें कंपनी की सारी शर्तें रहती हैं। दरअसल उबर एक ऐसी कंपनी है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ही कोई भी कस्टमर कंपनी से गाड़ी को ले सकता है। यही वजह है कि कस्टमर और कंपनी के बीच में किसी भी तरीके का सीधा संवाद नहीं होता है। यही वजह है कि कंपनी तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस को इतना वक्त लग गया
ऊबर 2,40,000 करोड़ रुपए की अमेरिकी कंपनी है जो लगातार नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली में अब तक कारोबार कर रही थी। नियमों के तहत रेडियो टैक्सी ऑपरेटर बिना जीपीएस लगी टैक्सी में सर्विस नहीं दे सकते। इसके लिए ड्राइवर का वेरिफिकेशन कराना, उसके ड्राइविंग लाइसेंस, पीएसवी बैज और दूसरे दस्तावेजों की जांच करना भी जरूरी है। ऊबर ने न तो ड्राइवर का वेरिफिकेशन किया था और न ही उसकी टैक्सी में जीपीएस लगा था। ऊबर कैब कांड ने तूल पकड़ा तो कंपनी के दफ्तरों के बोर्ड हट गए, दफ्तर बंद हो गए। गुड़गांव का दफ्तर तो रविवार की रात ही बंद हो गया, दफ्तर पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फ्लोर हैं जिसमें बिल्डिंग के अंदर उबेर कंपनी का ऑफिस है, लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में आई कि यहाँ के एक ड्राइवर ने एक लड़की के साथ रेप किया है, तो बजाय किसी तरीके का स्टेटमेंट देने के और सामने आकर के कानून की मदद करने के, उन्होंने खुद को छिपाने का काम ही शुरू कर दिया और बिल्डिंग में जो बोर्ड लगे थे जो यहाँ पर इस बात की तस्दीक कर सकते थे कि यहाँ कंपनी का ऑफिस है, उसी को हटा लिया गया। कोई भी एम्प्लॉय बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, जो एम्प्लॉयज़ और ड्राइवर रहते थे, उनको भी यहाँ से हटा लिया गया और उनको ताकीद दी गई कि वो मीडिया से किसी तरीके की बात न करें। उधर दिल्ली पुलिस ने उबर कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए थाने में तलब कर लिया। दिस इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, आई कैन नॉट कमेंट, आई एम सिटिंग इन अ पुलिस स्टेशन, आई कैन नॉट कमेंट अबाउट दिस। उबर कैब कंपनी पर पाबंदी लग गई, लेकिन ये भी बहस का मुद्दा बन गया। सवाल उठे कि क्या कैब कंपनी पर पाबंदी लगाने से बलात्कार रुक जाएंगे? नीतियां बनानी पड़ती है, सिस्टम आप बैन कर दीजिए, कल कोई और आदमी क्रिमिनल, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल आपके यहाँ रोजगार ले लेगा, तो ये बैन का एक अपने आप में वो उद्देश्य नहीं हो सकता है। कैब रेप कांड के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी नाक बचाने की कवायद में तमाम एक्शन लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि घर, दफ्तर, सड़क, टैक्सी, आखिर कौन सी जगह है जहां दिल्ली की बेटियां खुद को महफूज पा सकेंगी। विशाल प्रताप सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। 5 दिसंबर की रात एक लड़की दिल्ली के बसंत विहार इलाके से निकली, बुक कराई हुई कार से अपने घर के लिए चली, लेकिन रास्ते में उसे नींद आ गई और इसका फायदा उठाकर कैब ड्राइवर ने उससे बलात्कार किया। ये उस दिल्ली की हकीकत है जो मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। क्या ऐसी ही मानसिकता के साथ देश की राजधानी आगे बढ़ेगी? अपने दिल पर दंभ भरने वाली दिल्ली उस रात भी बेतहाशा भाग रही थी। सड़कों पर वाहनों का काफिला था, एक दूसरे से आगे निकल जाने की बेपनाह होड़ थी। कुछ भी तो नहीं बदला था उस रात, बस 26 साल की उस युवती की किस्मत के, जिसने अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर एक इंसान के साथ घर लौटने की गलती कर दी थी। वो गलती उसे कितनी महंगी पड़ी, ये आप देश के गृह मंत्री की जुबान से सुन लीजिए। जी हाँ, दिल्ली के पौश इलाके वसंत विहार से घर जाने को निकली 26 साल की एक युवती के साथ इतना भयानक हादसा हुआ कि संसद में गृह मंत्री को बयान देना पड़ गया। रात 10:30 बजे, जगह वसंत विहार, यही वो मनहूस घड़ी थी जब पीड़ित युवती ने मशहूर टैक्सी कंपनी ऊबर से किराए की टैक्सी मंगाई और अपने घर इंद्रलोक के लिए रवाना हुई। रास्ते में उस युवती को नींद आई और अगले चंद मिनट बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सभ्य समाज की नींद उड़ाने वाला था। आरोपी शिव यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन शैतानी और वहशियत के उस आलम में उसे ना तो पुलिस की परवाह थी, ना कानून का खौफ था और ना इंसानियत का डर। अगर होता तो एक बेबस युवती से बलात्कार के बाद वो मुंह बंद रखने की धमकी देने की जरूरत ना करता, लेकिन उस पर तो पागलपन सवार था, इसीलिए उसने पीड़िता को चुप रहने की चेतावनी दी। यह और बात है कि पीड़िता ने टैक्सी का नंबर अपने मोबाइल में कैद कर लिया और पुलिस शिव यादव को दबोचने में कामयाब हो गई। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।